तो गाइस अभी हम देख रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच। अबे यार कोहली आउट हो गया, छक्का ये मेरा बाहर। जस्ट लाइक यू took me by surprise. Good morning guys, welcome to my YouTube channel and you guys are watching my YouTube channel Pallav Meda Vlogs. तो ये तो अपना भारी भरकम इंट्रोडक्शन को साइड में रखते हैं। राधे राधे सबको, बहुत टाइम बाद फिर से आ गया हूँ YouTube पे व्लॉग्स बनाने के लिए। मेरा मन नहीं लग रहा था YouTube के बिना, पता नहीं क्यों। मैं सब सुबह उठता हूँ ना तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मेरे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो सारे मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, उनको देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिल जाता है कि हाँ भाई थोड़ा बॉडी पे वर्क करो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करा करो सुबह उठ के। तो ठीक है, अपन भी करते होते हैं, अपन भी करेंगे। पहले मैं आपको सनराइज दिखाता हूँ जो यहाँ से बहुत मस्त लगता है। एक बार मॉर्निंग में सुबह सुबह आंखों के सामने सूरज देवता होते हैं प्रकट, तो पहले दिखाता था तुमको वो। उसके बाद फिर अपन चलते नीचे, गर्म पानी पीना है मेरे को, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। देखो भाई क्या बवाल चीज़ है ना, मस्त बहुत सही चीज़ है बहुत। अपन चल रहे हैं नीचे की ओर, अपन को पीना है गर्म पानी। और एक ये शैतान है भाई, कुछ नहीं छोड़ता, खाता रहता सारा दिन। ये देख रहे हैं ये बर्तन, तो इसको मैं निकाल रहा था क्योंकि मुझे पानी गर्म करना था पीने के लिए। तो देखा तो भाई इसके साइड में बहुत बड़ी छिपकली थी। तो अभी क्या हुआ, मम्मी पास गया था कि ये बोलने के लिए, मम्मा वहाँ छिपकली है, मुझे बर्तन निकाल के दे दो। नहीं पहले तुम शोर कर लो भाई, मैं बाद में बना लूँगा। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ था, मैं हाँ हाँ हाँ, मैंने मम्मा बर्तन निकाल दो ठीक है, तो मैं अपने लिए पानी गर्म कर दूँगा। तो मम्मी कह, अरे तू जाना, निकल जाएगी छिपकली, छिपकली ही तो है, मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है। पानी गर्म करते हैं, छोड़ो यार ये पंचायत, पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म रख दिया मैंने, पानी गर्म हो जाएगा, इसको पीऊँगा और इससे मुँह भी धोना है मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा रखें। डन हो गया, पर एक ज़्यादा ही गर्म हो गया गलती से, मैं फ़ोन चलाने लग गया और बहुत गर्म हो गया। फटाफट से इसको इसमें डालते हैं, इसको लेके आ गया ऊपर क्योंकि मैं यहीं पीऊँगा। मैं यहाँ बैठ के पानी पीता हूँ और सबको देखता रहता हूँ जो मुझे दिखता है ऊपर, पर यार पानी बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया मैंने गलती से। अब हम सब पिया ना जा रहा, तो पीना है इसको, गर्म किया तो पीएंगे भाई। गैस भला है यार, दो रुपये का क्यों, सॉरी 6 रुपये की गैस लगी है यार इस पर, ऐसे कैसे सारा पीना पड़ेगा, पियेंगे इसको, बहुत गंदा है। अभी तुम्हारा भाई वर्कआउट भी करेगा, पर दिखाऊंगा नहीं, बहुत हंसी आती है पता नहीं क्यों, जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना पता नहीं क्यों मेरे को खुद को देख के बहुत हंसी आती है। तो अभी मैं वर्कआउट करूँगा पर मैं दिखाऊँगा नहीं ठीक है, जब मेरी थोड़ी बॉडी वॉडी सेट हो जाएगी उसके बाद दिखाऊँगा। बॉडी वॉडी बन जाएगी, बननी तो है नहीं पर उम्मीद तो है कि बनेगी, तब दिखाऊँगा तुम्हें, उससे पहले नहीं दिखाऊँगा। अभी मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरे को नीचे भी जाना है, फिर नहाना है, उसके बाद अपन चलेंगे मंदिर। मंदिर चलेंगे भाई, कट्टर हिंदू है हम, मंदिर चलेंगे, मत्था वत्था टेक के आएंगे अपन। प्रसाद तो सुबह सुबह मिलता नहीं है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा तो ले आएंगे, नहीं मिला तो जय माता दी, पर मंदिर जाएंगे अपन। अपन हो गए नहा के रेडी, अब अपन चलेंगे मंदिर। मंदिर अपने साथ जाएंगी मिसेस मिट्टा, हमारे साथ जाएंगी मंदिर मिसेस मिट्टा, तो हम इनको लेके चलते हैं मंदिर, शिव मंदिर चलेंगे अपने, क्योंकि आज है शनिवार, आज शनिवार है ना, आज शनिवार है तो हम शिव मंदिर चलेंगे। और वार के हिसाब से जाते हैं भैया, ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ऐसा कुछ नहीं, हम चले जाते हैं कहीं भी चले जाते हैं, बस मंदिर होना चाहिए ठीक है, दिल में भक्ति भावना बहुत है हमारे। मेरे फैमिली का सबसे छोटा मेम्बर, हाई बोल, हाई बोल, बोलना ये खाती बहुत है, मेरे को बहुत मारती है, मेरे को मेरे घर में कोई नहीं मारता, बस ये मेरे को सबसे ज़्यादा मारती है। मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में भी धूप और कितनी धूप, ऐसे तो जैसे 12 बज रहे हो दोपहर के, अभी बजे सिर्फ 8:30 ही है, 8:30 हम जा रहे हैं मंदिर, हम लेट हो गए, हमको जल्दी जाना था पर कोई बात नहीं, अभी मम्मी साथ हो गए इसके, मम्मी के हाथ पे छिपकली गिर गई। हमारे घर पे छिपकलियाँ बहुत हो रखी है, लक्ष्मी माता की बहुत ज़्यादा हमारे पे वो हो रखी है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लेसिंग्स हो रखी है। चलो चलते हैं अब मंदिर चलते हैं, आ जाओ जा रहे मंदिर। वो पीछे लाडो देखो कैसे आवाज़ें निकाल रही है, इधर चलो इधर, ओके कैसे आवाज़ें मार रही पीछे से, पीछे आ रहे हमारे चिंटू मिंटू। भाई चिंटू मिंटू आए तो इनको खा लिया तो भेजने से, इनको बिस्किट खिलाएंगे अपन, आओ तो साइड में डाल देते हैं रोड के बीच में नहीं। तो अभी अपन चल रहे हैं पैदल ही मंदिर, माता जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपन स्कूटी पे जाएंगे पर हम स्कूटी पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पैदल। सुबह सुबह क्या मस्त मौसम होता है ना मम्मी, ठंडी ठंडी हवा, हालांकि मतलब अभी
8:30 हो गए, धूप बहुत है, ठंडी ठंडी हवा भी साथ में, तो 12 बजे भी धूप होती है। पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, इनको छोड़ के आना पड़ेगा पहले। मैं मेन रोड पे आ गए हैं भाई, सामने मंदिर है, आ गया मंदिर। मंदिर तो हम जाए, क्या मस्त पॉजिटिव पॉजिटिव फील हो रहा है वहाँ पे बैठ के भी काफी देर, मतलब सही है यार। मतलब मंदिर जाते हैं ना तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो अभी थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट की है, अब से रोज़ जाया करेंगे और रोज़ मंदिर जाया करेंगे, पर रोज़ दिखाया नहीं करूँगा, पर थोड़ा वो दिखाया करूँगा, पर मैं जाया करूँगा रोज़ मंदिर। घर आते थे दोनों मिलके, हाँ भाई कैसी लगी, स्कैम हो गया तुम्हारे साथ, स्कैम 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 बेटी स्कैम। हाँ बेटी ठीक तो आ गया, ठीक तो आया, अरे बेटे ठीक तो आया। तो अब कपड़े वपड़े चेंज करके मैं बैठ गई हूँ, बहुत ज्यादा मैं गर्मी लग रही थी यार, सही में बहुत गर्मी है। तो अब क्या करते हैं, अब मैं एक काम करूंगा कि लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना है मेरे को, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और उनका श्रृंगार थोड़ा खराब हो गया है, तो उसको मैं सही करता हूँ। ठीक है, मेरे को वैसे आता नहीं है क्योंकि मैं हर बार, मेरी एक दीदी है उनसे करवाता हूँ, दीदी तो अब इस बार है नहीं तो मेरे को ही करना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ करने की, वैसे मैंने पहले किया था, बहुत पहले किया था, तब मुझे थोड़ा बहुत आता था, अब मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो आज मैं ट्राई करूंगा, देखते हैं कैसा होता है, पर जो भी होगा मैं अपना बेस्ट करूंगा। ठीक है, कृष्ण जी को अच्छा अच्छा रेडी कर देंगे अपन, फिर जन्माष्टमी में सुंदर सुंदर उन्होंने तैयार करेंगे इनको। तो अभी फिलहाल मेरे पास ये सारे कलर्स हैं, ठीक है, और मेरे को ऐसा मेकअप करना है, ऐसा सबके ऐसा सेम करना है, बट इनके जो कलर है ना वो लाइट्स का ही है, और ये यहाँ पे जो मेरे पास है ना ये डार्क है, और इसको लाइट करने के लिए इसमें व्हाइट कलर मिक्स करना पड़ेगा, तो ये जुगाड़ है मेरे पास, इसमें अपन ट्राई करेंगे, कलर मिक्स करके देखते हैं, फिर वो कलर करते हैं। पैलेट लेने गया था पर मुझे पैलेट मिली नहीं कलर्स वाली, तो फिर मेरे पास ये जुगाड़ है। हाँ तो ये अब देखो, ये मैंने ऐसा कुछ कलर कर दिया इसको, मेरे को लगता है ये सेम उनके जैसा हो गया होगा, ऑलमोस्ट सेम ही है बस, ठीक है इससे हो जाएगा अपना काम। तो अब अपन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लुक ऐसा है पहले, अब अपन लुक चेंज करेंगे, प्यारी प्यार उसका रेडी कर देंगे, तो चलो पहले करते हैं रेडी, बातें बाद में ही करेंगे अपन। ओके राधे राधे, कर तो स्टार्ट। अभी कुछ इतना हो गया है, अभी आगे कर रहा हूँ, सूख जाए थोड़ी देर। ओके तो अब मैं रेडी कर देता हूँ, फाइनल लुक दिखाऊंगा आप सबको। तो गाइस ये रहा फाइनल लुक, जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइज आज का तो टाइम को पता ही नहीं चला मुझे, कब टाइम निकल गया। अभी इन सब चीजों को समेट दूं पहले मैं, भाई यार वास्तव में कलर कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आज है इंडिया और पाकिस्तान का मैच, तो मैं तो चला मैच देखने, और साथ में पहले मैं खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद बैठ जाऊंगा बस लैपटॉप लेके, मुझे देखना है मैच आज। भाई प्रिंस तुम बताओ कौन जीतेगा? भाई ऑब्वियसली है यार, इंडिया ही जीतेगी। हाँ मम्मी कौन जीतेगा? और कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी ऑब्वियसली। हमारे साथ हो रहा है आज एक पॉपअप, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है मैच आ रहा है, तो हम सर्च कर रहे हैं भाई कौन से जगह पे मैच आ रहा है कहाँ, तो अभी ये भाई साहब ने सब जगह देख लिया, इसको कहीं नहीं पता चल रहा, मैं देखूंगा अभी। और बाय द वे मैंने लेंस क्यों लगा रखा, क्योंकि मैं अभी रील्स बना के आया हूँ, और अब रील्स बना के आया हूँ तो अब फिर मैं ऑब्वियसली बात है मैं ही ढूंढूंगा चैनल कहाँ पे आ रहा है, इससे कुछ नहीं होता भाई, इसके बस की नहीं है कुछ, मैं ही करूँगा। लेंस लगा लेते तो मेरी आईज पूरी खुलती नहीं है, और मैं ऐसा लगता था नशेड़ी, पर भाई मैं नशेड़ी ली हूँ, मेरी आँखें नहीं खुलती। बाय द वे अब मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर रील्स बनाता हूँ, तो जिन लोगों ने जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ऐड है, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भाई फ्रीज हो चुका है, तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प करो, जाके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, ठीक है। बाकी मैं सोच रहा हूँ मैं एक नया अकाउंट स्टार्ट करूँ, क्योंकि भाई वो वाला तो मेरा अकाउंट ख़राब हुआ पड़ा है, तो नया अकाउंट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको ग्रो कर देंगे, तुम्हारा भाई जल्दी कर देगा देख लेना तुम। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच, तो देखते हैं, पहला से पूछते हैं कि कौन जीतेगा, क्या लगता है इसको, अमित तेरी क्या राय है, कौन जीत रहा है? यार कोहली आउट हो गया, और इससे पहले रोहित आउट हो गया। रोहित आउट हो गया, अबे यार चलो देखते हैं क्या बनता है अभी। तो गाइस अभी मैच को हम कंटिन्यू देख रहे हैं, मैच तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है गाइस यहां पे,
तो अभी देखते हैं, एंड तक देखते रहेंगे मैच को और कौन जीतता है वो आपको बता देंगे, आपको ही पता लगेगा। एक और चौका था तो एक चौका जश्न कैसे मनाएंगे अपने, कुछ खबरी दे मेरे को तू। हार्दिक पांडे उम्मीद है बैक टू बैक छक्का। हार्दिक पांडे सही खेल रहा है भाई, भाई हार्दिक पांडे जिताने की उम्मीद है। सही बात है भाई, छक्का है तेरे क्या, छक्का है ये तो। रद्द हो गया मैच बारिश के कारण, 266 रन बनाए इंडिया ने। वेट करना पड़ेगा अपने को फिर जीतने का। हां यार इतनी एक्साइटमेंट थी ना सारी खत्म कर दी। कोई बात नहीं, पता एंड में जीतते हुए इंडिया ही बेटा जीतते हुए गई टेंशन मत ले भाई। 266 रन मारे हैं इंडिया ने, तो कोई बात नहीं अभी ओवर मार देगी। अच्छा खत्म होगी भाई, बैटिंग ओवर ही खत्म हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, 266 रन का टारगेट दिए वही बहुत है पाकिस्तान को हराने के लिए। जीतेगी इंडिया ही यार, अंदर से आ रहा मेरे, जीतेगी इंडिया ही और जीतेगी। पर कंपटीशन टफ है भाई, कंपटीशन टफ है। 266 रन पर मान ले इंडिया जीतेगी, 266 में बहुत है भाई। पटाखे बजाएंगे अपने, लाएगा तो बजाएंगे ले आएंगे भाई पटाखे, ये भी बुला रहे हैं कहां से लेके आएंगे पटाखे, सुबह बजा देंगे। पागल है क्या, शादी रात की और सुबह तो पटाखे बजाए, ऐसा होता है कभी? तो ये शादी थोड़ी मैच है ये तो, और क्या नहीं था सोजे फिर यहाँ पे ब्लॉग एंड कर दे। रात में सोया मैं, सोया रात को 3 बजे, सोया 3:30 सोया, सुबह मैं 6 बजे उठ गया भाई, 6:30 में ऊपर था छत पे सलाम। और ये उठता नहीं भाई, भाई मेरा सिर दर्द कर रहा था जब तू मेरे को उठाने आया। ओके सो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय, राधे 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 राधे।